अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने चकशजात फार्म 39 में एक ऐसी मशीन तैयार की है किसानों के लिए जिसमें लहसुन लगाने की आसान तरीका, और उसमें यह है कि उसमें लेबर की भी बचत है और बहुत अच्छी उसकी पैदावार होगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या तरीका है आपका? पहले तो हम हाथों से लगाते थे, ठीक है ठीक है। उसमें तकरीबन एकड़ में 10 से 12 आदमी लगते थे, ठीक है, और 8 से 10 दिन लग जाते थे, ठीक है। अभी जो है हमने ये जो मशीन है जिसके साथ हम लगा रहे हैं, इसमें एक तो लेबर का खर्चा कम है, तकरीबन 2 या 3 दिन, 4 आदमी जो है, तकरीबन 4 आदमी हमने लगाया भी है, 4 आदमी तकरीबन एक दिन में ये क्लियर हो जाता है। 2 मशीनें हैं, ठीक है, एक 2 आदमी लगे रहे, लाइने लगाते रहे, ठीक है, मतलब कि लाइने लगा के फिर उसके बाद जो वो है ना कि वो करते रहे हैं पीछे से, उस निशान के जरिए निशान जो है निशान में वो पूरियाँ डालते हैं, तो एक दिन तकरीबन 1 दिन 1.5 दिन में ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेबर में काफ़ी बचत है। और इसमें ये बताएं कि अगर इस मशीन के साथ लेबर हो तो ये 1 एकड़ कितने दिनों में लगा सकते? ये तकरीबन 1.5 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि रफली 2 दिन में? नहीं, 1.5 दिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा। और 3 मजदूर इनके साथ? 4 मजदूर होते हैं, 4, ठीक है। 2 लगाते हैं, ठीक है, 2 सराख करते हैं, फिर जब सराख क्लियर हो जाए, ठीक है, पीछे से वो दोनों भी मशीन रख के वो दोनों भी लग जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं, इसमें आप अगर देसी लहसुन लगवाएं उसका क्या तरीका है, अगर जीवन लगाएं या अगर चाइना लहसुन लगाएं इसके क्या क्या तरीके? ये है कि जीवन का जो है ना, जीवन जी इसमें बेस्ट है, ठीक है, देसी भी इसमें लग सकता है, लेकिन वो है कि उसकी पूरी छोटी होती है। जी वन की भी पूरियाँ 3 किस्म की हैं, एक छोटी होती है, ठीक है, उससे मतलब के बड़ी होती है, उससे जो मोटी होती है वो भी बेहतरीन है, लेकिन ये मशीन जो है ये जी वन के लिए सबसे बेस्ट है। और इस पे अगर आप फासला कम करें या ज़्यादा करें उसका क्या हिसाब? वो इसका
तरीका कार मैं दिखा दूंगा बाद में भी आपको, लेकिन ये है कि इसका एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह वाले ने जो मशीन तैयार की है वो लहसुन को जो है ना वो बीज भी खुद लगाते हैं और वो चलता भी ऐसे, इसको जैसे चलाएं तो वो बीज भी खुद ही लगाते हैं। उसमें एक मसला ये है सर कि वो जो चाइना वाली मशीन है वो सुराख तो करती है, बीज भी डालती है, लेकिन उसमें ये है कि उसके चैन G1 है जिस तरह हमारा है जी G1 की तीन मतलब के तीन साइज की चूरी हो जाए, मिसाल मोटी भी होती है उससे भी छोटी होती है, उससे भी छोटी होती है, लेकिन ये है कि वो इसमें नहीं चल सकती है क्योंकि चाइना की मशीन जो है वो G1 का सुराख नहीं, जिस तरह ये मशीन निकाल रही है वो G1 इस तरह का वो सुराख नहीं निकालेगी, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि तुरियां हम छोटियां मतलब के मिसाल के तौर पे हम पूरा लहसुन इकट्ठा कर लें उसमें तुरियां हम निकालते रहें उस साइज़ की, वो तो तकरीबन हमारे तो 20-30 दिन निकल जाएंगे लहसुन को लगाते हुए। बेस्ट ये है कि इससे बेहतर मशीन चाइना से ये बेस्ट है, क्योंकि जिस तरह आप चाइना का भी लगा सकते हैं इसमें देसी भी लगा सकते हैं G1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो ये मशीन منګه تیار کړې ده دی تیار کړې ده او ز پخپل باندې ذمہدار يم دا به ځان لم اخلم او چنور هم د څه چاته پکاري نو په دې نمبر باندې تاسو کانټیکټ هم کولای شئ، بل د دې دا خبره ده چې دا سیز یو شان تر ولې چې 25 باندې کاری نو د دې سیز به یو شان تر ازي نه بغټي نه بوري کې بل پکې چې پلاس باندې کاری هغه کې تنگ راشي یا کولاو راشي دې کې به یو سیز تاسو ملوي.